वीडियो में मैं आपके लिए ऐसी ट्रिक लेकर आया हूँ जिससे आप डिवीजन को चुटकियों में परफॉर्म कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमसे ये बोला गया है कि हमें 3289 को 23 से डिवाइड करना है, तो आपको 23 से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सिर्फ 2 से डिवाइड करेंगे और इस 3 को हम यहां पर लिख देंगे। चलिए डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो आप जानते हैं 2 1 2 होता है, तो हम यहां पर 2 को लिख देंगे और 1 हमारा रिमाइंडर बचेगा। अब हम इस 2 को नीचे उतार लेंगे तो ये बन जाएगा 12, राइट। इसी तरीके से हम डिवीजन करते हैं। अब हमें यहां पर एक काम करना होगा, ये जो नंबर आया है 1 जो कि हमारा कोशियंट है, हमें इसको इस नंबर 3 से मल्टीप्लाई करा देना है। तो 1 × 3 आएगा 3, और इस 3 को हमें 12 से माइनस करा देना है तो बचेगा 9, राइट। अब हमें फिर से डिवीजन करना होगा, तो 2 4 8 होता है, यहां पर 8 आ जाएगा और 1 हमारा रिमाइंडर बचेगा। हम इस 8 को भी नीचे उतार लेंगे तो ये बन जाएगा 18। अब फिर से हमें वही काम करना है, ये जो नंबर आया है 4, इसको हमें इस नंबर 3 से मल्टीप्लाई करना है और जो भी हमारा आंसर आएगा हम उसको 18 से माइनस करा देंगे। तो 4 × 3 होगा 12 और 18 में से 12 जाएगा तो बचेगा 6। अब 2 3 6 होता है, तो 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा। तो हम इस 9 को नीचे उतार देंगे और आगे जाने से पहले हमें फिर से वही स्टेप करना होगा, ये जो हमारा नंबर आया है 3, हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आएगा 9, और 9 में से 9 को जब हम माइनस करेंगे तो आएगा 0, और 0 आने का मतलब ये है कि हमारा डिवीजन कंप्लीट हो चुका है और हमारा आंसर है 143, यानी हमने 23 की बजाय 2 से डिवाइड करके अपना आंसर निकाल लिया। अमेजिंग, इजंट इट। चलिए एक और एग्जांपल को देखते हैं। मान लीजिए इस बार हमें 9216 को 72 से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले तो हम 2 को साइड में लिख देंगे और 7 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो 7 1 7, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, और इस 2 को हम नीचे उतार देंगे तो ये बन जाएगा 22। अब आगे जाने से पहले हमें इस 1 को इस नंबर 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 × 2 आएगा 2, और 22 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो बचेगा 20। अब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 2 = 14 होता है, बचेगा 6। इस 1 को हम नीचे उतार लेंगे, फिर से वही काम करना है, 2 × 2 होगा 4, और 61 में से 4 जाएगा तो बचेगा 57। अब 7 8 = 56, तो रिमाइंडर बचेगा 1, इस 6 को भी नीचे उतार लेंगे। अब 8 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आएगा 16, और 16 में से जब 16 जाएगा तो बचेगा 0, और 0 आने का मतलब हमारा डिवीजन कंप्लीट हो चुका है और हमारा आंसर आया है 128। तो ये थी डिवीजन की ट्रिक जिसका यूज करके आप बड़े बड़े नंबर से डिवाइड इजीली कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं।